हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर अबाउट मैथमेटिक्स। इफ यू लाइक आवर कंटेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2022। क्वेश्चन इज फ्रॉम न्यूमेरिकल एनालिसिस। क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी विद ए इक्वल्स टू 3x3 मैट्रिक्स गिवन है 3 1 1 1 4 1 एंड 2 0 3 एंड बी इक्वल्स टू 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, देन हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स दी गई है। सो हम यहाँ से जानते हैं अगर हमने यहाँ से इसका सॉल्यूशन करना है तो जो अगर मैट्रिक्स दी है उसे हम राइट आउट करें। सबसे पहले हमने जो मैट्रिक्स दी है उसका जो मैक्सिमम एलिमेंट फर्स्ट रो से जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स निकालनी है, तो जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स। सो अगर जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स हमने यहाँ से लिखनी है तो जो भी फर्स्ट रो का मैक्सिमम एलिमेंट है सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट को जीरो करना है, और डायगोनल का जो भी एलिमेंट है हमने उससे पूरी इक्वेशन को पूरी रो को डिवाइड कर देना है। सो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से 3 है तो उसको जीरो कर दिया, 1/3 आ जाएगा यहाँ से, और ये एलिमेंट भी 1/3 बन गया। सिमिलरली सेकेंड डायगोनल एलिमेंट है हमारे पास 4, सो 1 को 4 से डिवाइड कर दिया, 1/4 आ गया, और यहाँ से भी 1/4 आ गया। सिमिलरली यहाँ से जो डायगनल एलिमेंट है थर्ड हमारे पास वो है 3, सो रो को 3 से डिवाइड करेंगे 2/3 आएगा यहाँ से हमारे पास, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारे पास जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स बन गई। सो अगर ऑप्शन से हम यहाँ से कंपेयर करें कि यही मैट्रिक्स बनेगी या नहीं बनेगी, सो अगर तो यहाँ से अगर हम देखें ये हमारे पास जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स आई है। सो अगर जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स ऑप्शन से कंपेयर करें तो ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट रो तो सेम आ रही है, फर्स्ट रो हमारे पास कह रही है यहाँ से 0 1/3 आ रहा है, बट यहाँ से 1/4 आ रहा है, सो यही मैच नहीं हो रहा। सो इम्प्लाइज यहाँ से हमारा ये ऑप्शन तो डायरेक्टली हम डिस्कार्ड कर सकते हैं कि जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स हमारे पास ये नहीं बन रही। अब यहाँ से हमें चेक करना है ये कन्वर्स कर रही है नहीं कर रही इस एनी इनिशियल वैक्टर के लिए। सो कन्वर्स के लिए हम देखेंगे तो यहाँ से इसे हम ए नाम अगर मैट्रिक्स को दें तो इसके लिए अगर हम नॉर्म निकालें सो जितने भी रोज है उस एलिमेंट का स्क्वायर करके लास्ट में स्क्वायर रूट करेंगे। सो सारे रोज के एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे, सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 का 1/3 का स्क्वायर 1/9 आएगा, नेक्स्ट भी 1/9 आएगा, उसके नेक्स्ट आएगा 1/16 प्लस 1/16, 2/3 का स्क्वायर आएगा 4/9। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से एडिशन करके सो हमारे पास जो 9 बन रहा है वो आएगा 19/24। सो 19/24 अगर नॉर्म बन रहा है तो नॉर्म हमारे पास लेस देन 1 आ रहा है, और अगर नॉर्म लेस देन 1 आता है तो सारी जैकोबी मैट्रिक्स हमारे पास सारे के वेक्टर्स के लिए कन्वर्स करेगी। सो अगर सारे वेक्टर्स के लिए कन्वर्स करती है देन उस केस में अगर हम यहाँ से वैक्टर देखें हमारे पास ऑप्शन बी जो कहता है जैकोबी इटरेटिव मैथड कन्वर्स फॉर एनी इनिशियल वैक्टर, देन हमारे पास यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से हमारे पास करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट होने के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ से हमारे पास अगर यहाँ पर हमने जो निकाली है इसकी जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू आएगी, मैक्सिमम आइगन वैल्यू हमारे पास अगर मैक्सिमम आइगन वैल्यू का जो मॉड्यूलस आ जाए वो हमारे पास लेस देन 1 आ जाए, लाइक मॉड ऑफ लेमडा लेस देन 1 आ जाए, मॉड ऑफ लेमडा जहाँ लेमडा हमारे पास मैक्सिमम आइगन वैल्यू को अगर रिप्रेजेंट करता है तो उस केस में जो स्पेक्ट्रल रेडियल होती है वो हमारे पास यहाँ से जैकोबी इटरेटिव मैथड की कन्वर्स करती है। तो जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स जो आती है उन सबकी जो स्पेक्ट्रल रेडियल होती है उसका मान हमारे पास लेस देन 1 ही होता है, द स्पेक्ट्रल रेडियल ऑफ द जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स इज लेस देन 1। सो ऑप्शन डी तो हम डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन डी डायरेक्टली करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए हमने डिस्कार्ड कर ही दिया। अब ऑप्शन सी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से ये यह हमें कहता है गॉस सिडल इटरेटिव मेथड कन्वर्जेस। सो गॉस सिडल मेथड के लिए सबसे पहले हमने जो जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स निकाली है उसके लिए सारे रोज का अगर रेस्पेक्टिवली सम देखें, सो फर्स्ट रो का रेस्पेक्टिवली अगर हमारे पास सम आएगा वो अगर इक्वल्स टू 1 आ जाए तो इक्वल्स टू 1 हमारे पास ये क्या आएगा 2/3। अगर सारे रोज का जो सम है वो लेस देन 1 आ जाए तो उस केस में गॉस सिडल के लिए इटरेटिव मेथड हमारे पास कन्वर्स कर रहा होगा। सो यहाँ से ये इसके लिए 2/3 है, इसके नेक्स्ट 2/4 आ रहा है, 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से 2/3 आ गया, एज वी कैन सी सारी वैल्यूज हमारे पास लेस देन 1 आ रही है। अगर सारी वैल्यूज लेस देन हमारे पास 1 बन रही है देन इस केस में अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारा थर्ड ऑप्शन द गॉस सिडल इटरेटिव मेथड कन्वर्स फॉर एनी इनिशियल वेक्टर भी करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि सारी रोज का सम हमारे पास लेस देन बनाया है। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी सी डी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।